नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है आपके सामने लेकर आया हूं और ये खबर जो है बहुत अच्छी भी है। और कुछ समय पहले से जो है लगातार जो डोडा में चोरियां हो रही थी उसका मामला जो है बढ़ता ही जा रहा था। यानी 6 बाइकें जो हैं उसमें बुलेट हो या स्कूटी हो या अलग अलग जगहों से जो है इस तरह से इंफॉर्मेशन भी आ रही थी कि इस तरह से चोरियां हो रही है और लगातार आखिर कौन चोरियां जो है डोडा के अंदर कर रहा है। और काफ़ी बार जो है लोगों ने उसके बाद FIR लगाने के बाद जो है काफ़ी इंतज़ार भी था कि आखिर ये चोर हैं कौन। और आज जो है पुलिस ने जो है इसको दबोचा है और इसको जो है रंगे हाथ पकड़ा है। और इसके पास जो है 6 मोटर बाइक जो है रिकॉर्ड की गई है। और डोडा पुलिस जो चोर था उसको जो है उसके घर से जो है 6 नंबर स्टोलन ऑफ व्हीकल सो फार बीन रिकॉर्ड फ्रॉम द प्रोफेशन। और इसके बाद मैं आपको बता दूं इसके ऊपर जो है FIR भी लॉन्च हुई है। और ये जो है रहने वाला जो है भद्रवा डंडी भद्रवा का रहने वाला है, शादाब मीर इसका नाम है और सन ऑफ अब्दुल अयूम और रेजिडेंट ऑफ डंडी भद्रवा। और FIR नंबर जो है 209/22 under section 379 IPC। यानी लगातार डोडा के अंदर चोरियां हो रही थी और लोग जो है काफी परेशान थे और सब में जो है डर का माहौल जो है बना हुआ था। आखिर इतनी सिटी के अंदर से कैसे इस तरह से कौन जो है रात के समय जो है यहां सर बाइक वगैरह या स्कूटियां वगैरह जो है चोर रहा है। उसके बाद एक CCTV भी फुटेज सामने आई थी, लेकिन लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही थी, लेकिन डोडा पुलिस वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है डोडा पुलिस ने। और आज जो है उसको धड़ दबोचा भी है। और इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास मिल रही है और ये जो चोर है यानी जो इस तरह के मामलों को वारदात देता था, ये जो है BTech है, यानी मैकेनिकल में जो है इसने BTech की है और शॉपकीपर है प्रोफेशन से, यानी दुकानदारी करता है। और इसी तरह के मामले जो है लगातार बढ़ाता ही जा रहा था। यानी रात के समय ये अपनी गाड़ी लेकर आता था और देखता था कि कौन सी गाड़ी कहां पर लगी है, बस उठाने का काम करता था। लेकिन इस तरह से बहुत सारे CCTV भी यहां पर डोडा के अंदर लगने के बाद भी जो है पुलिस के बाद जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी लोग जो है जैसे अपनी FIR लॉन्च करते हैं उसके बाद जो है पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई में जुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही बड़ी कामयाबी और उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं इनमें से जिन गाड़ियों को चोरा गया है उन गाड़ियों के नंबर भी आपको प्ले कर दूं। JK02BP2734 यानी एक बुलेट है। और इसके बाद एक और बुलेट का नंबर आपको बता दूं, इसका बुलेट का नंबर JK06 और नंबर ही उड़ा दिया, यानी जो नंबर प्लेट है ये उड़ गई है। और इसके बाद एक स्कूटी JK02BJ9346 ये एक और स्कूटी है। और इसके बाद एक और स्कूटी का आपको नंबर आपको प्ले कर दूं, JK06A4127। जिस तरह से हमारे पास और कुछ और भी हैं जो पुलिस ने जो है इसको दबोचा है और इस तरह के मामले जो है डोडा के अंदर जो है वारदात देने की कोशिश भी कर रहा था ये। और जिस तरह से पुलिस ने अपनी इस प्रेस रिलीज में जारी किया है कि ये जो है डंडी भद्रवा का रहने वाला है और इसका नाम जो है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, शादाब मीर है और BTech करके दुकानदारी करते थे और अपने प्रोफेशन जो है इसका दुकानदारी का है। और इसमें लास्ट में मेंशन किया कि हाईली क्वालिफाइड है, यानी आप खुद देख सकते हैं कि हमारे युवा जो है किस ओर जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है, क्यों इस तरह की वारदात को जो है अंजाम दे रहे थे ये लोग और कैसे ये सब जो है ये कैसे ये सब चीजें कर लेता था? क्या इसके साथ कोई और भी था या फिर ये अकेले ही इन सब तमाम चीजों को जो है वारदात देने की कोशिश भी कर रहा था? और जिस तरह से पुलिस ने कुछ समय पहले ही प्रेस रिलीज जारी की तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशन और जिन लोगों की गाड़ियां या जिन लोगों की ये स्कूटियां चोरी हुई है अब पुलिस जो है उनको वापस कर देगी, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। और डोडा पुलिस और SSP अब्दुल क्यूम ने जो है लगातार इसी तरह के प्रयास जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की है तब से उनके अंडर में, चाहे फिर वो जो ड्रग पेडलर हो या फिर अलग अलग किस्म के जो भी लोग हों उनको जो है हिरासत या फिर उनको जेल भेजने का भी काम किया है। अगर इसी तरह का जो भी मामला सामने आता है, और एक और चीज आपको बता दूं, काफी सारे लोग जो है पूछते हैं कि अगर पुलिस जो है इस तरह के काम करने के बाद सामने क्यों नहीं आती,
यानी प्रेस रिलीज क्यों नहीं देती मीडिया के सामने। मुझे लगता है कि अब्दुल क्यूम जो एसपी डोडा है वो जो है शांति से ही काम करते हैं, और शांति का नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने उनके अंडर जो है सुपरविजन, क्योंकि काम करने वाले उन्हीं के आगे जो इंस्पेक्टर या SHO जो भी लोग हों या फिर जो DSP हों वो लगातार किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, और ड्रग्स को भी जो है ख़त्म करने की यहाँ से कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है पुलिस के हाथ। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश नहीं करेगा और हर कोई अपनी गाड़ी को जो है सेफ समझेगा। और फिर से मैं आपको बता दूं, 6 गाड़ियां जो है यानी इसके पास बुलेट और स्कूटियां इस तरह से इसके पास मिलने के बाद जो है इसको हिरासत में लिया गया है, और भद्रवाह डंडी भद्रवाह का रहने वाला ये बताया जा रहा है और हाईली क्वालिफाइड है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, डोडा।